हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 29 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रुपया $1 के मुकाबले सबसे न्यूनतम स्तर पर कितनी कीमत पर पहुंच गया? तो इसमें आंसर आएगा $1 69.10 रुपये, और यह अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। इस साल रुपया अब तक 8% से ज्यादा टूट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किस जयंती के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा ₹125 का सिक्का जारी किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा महालैनोबिस जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की हल्दी को हाल ही में GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्रदान किया गया? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को भारतीय पेटेंट कार्यालय से जियोग्राफिकल इंडेक्स रैंकिंग प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी अकामाई की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच वेब अटैक से सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत कौन से पायदान पर रहा? तो इसमें आंसर आएगा वेब अटैक से प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने नए सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नए सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा ओडिशा और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता 65 लाख टन बढ़ाने के लिए चुने गए 2 स्थानों में से उड़ीसा में कौन सा स्थान है? तो इसमें आंसर आएगा उड़ीसा में चांदीखोल है और कर्नाटक में पदूर को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा भारत और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने जेलों में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें आंसर आएगा यह रिपोर्ट महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य जेलों में महिलाओं के विभिन्न अधिकारों, उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और इनके समाधान हेतु संभावित तरीकों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व एक विशेष प्रयोजन वाहन है, इसका मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इसमें आंसर आएगा इसका मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों और कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किस दवा और इंजेक्शन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाली ऑक्सीटोसिन दवा के निजी क्षेत्र में निर्माण पर 1 जुलाई से रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी 1 जुलाई 2018 से घरेलू उपयोग के लिए ऑक्सीटोसिन का निर्माण करेगी? तो इसमें आंसर आएगा केवल कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी केवल इसका निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2018 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या है? तो इसमें आंसर आएगा क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिक्स। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस नदी में गंगाल बांध बनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा गंगाल बांध छत्तीसगढ़ के दमत्ती जिले में महानदी नदी पर बनाया गया और बांध 10 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्षमता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट को कितना अनुदान सहायता प्रदान किया गया? तो इसमें आंसर आएगा
1040 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगति ऐप निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। प्रगति यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग संगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा उद्योग संगम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय भारत में मानव संसाधन के विकास के लिए कार्य करते हैं, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो इसमें आंसर आएगा प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम को मजबूत करने के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो इसमें आंसर आएगा 2000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय ने UGC को निरस्त करके उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य है उच्च शिक्षा में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए 52वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2018 में किसे गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा सागरमाला परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसमें आंसर आएगा यह परियोजना शिपिंग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सागरमाला कार्यक्रम भारत में मौजूदा बंदरगाह के आधुनिकरण और नए मेगा बंदरगाह की स्थापना के लिए भारत सरकार की 8 ट्रिलियन निवेश की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा HND इंटरनेशनल ग्रुप को खरीद लिया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई मोबाइल आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है, तो इसमें आंसर आएगा इसका नाम है गो माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी राजधानी के निर्माण के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के 5 नए शहरों में मेट्रो रेल शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसका कुल बजट कितना रखा गया है? तो इसमें आंसर आएगा इसका कुल बजट रखा गया है 1.7 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कबीर महोत्सव का शुभारंभ किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा कबीर महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में 2 दिवसीय कबीर महोत्सव का उद्घाटन किया गया, इस दिन संत कबीर दास की कौन सी सालगिरह मनाया गई? तो इसमें आंसर आएगा 500वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पोषण अभियान टेक थॉन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने कोयले आधारित बिजली संयंत्रों के उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के डिवाइस के लिए कोरियन कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आंसर आएगा भेल कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा नासिर जंजुआ पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जय हिंद 1S किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह सबसे हल्का उपग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? तो इसमें आंसर आएगा नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा सेशेल्स के लिए 10 मिलियन डॉलर ऋण की अधिक सुविधा प्रदान की गई है? तो इसमें आंसर आएगा एक्जिम बैंक द्वारा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमहंस डिजिटल एकेडमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसमें आंसर आएगा निमहंस डिजिटल एकेडमी का उद्घाटन जेपी नड्डा द्वारा किया गया। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शंस है अनीस बानवाला, देवेंद्र सिंह राणा, सौरभ चौधरी, वांग हैजवांगो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुँच सकें।